रणवीर सिंह के एक्टिंग कोच रह चुके हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कभी प्रोडक्शन हाउस में खाना खाकर वसूली फीस, पत्नी की जासूसी करने के लगे आरोप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। कई रिजेक्शन का सामना करने के बाद आज उनकी गिनती उन स्टार्स में की जाती है जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, मांझी, द माउंटेन मैन, बजरंगी भाईजान, बदलापुर, किक, रवन राघव 2.0, मंटो जैसी कई फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई है। फिल्मों में अपने किरदार को लेकर नवाज जितना चर्चित रहे हैं उतना ही वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी विवादों में रहे। उन पर पत्नी की जासूसी और छोटे भाई की पत्नी को मारने पीटने का आरोप भी लग चुका है। कभी पार्किंग को लेकर पड़ोसी महिला से भी विवाद हुआ तो कभी ऋषि कपूर पर बयान देकर विवादों में आ गए। नवाजुद्दीन अपनी किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ की वजह से भी काफी विवादों में रहे थे। नवाज ने कभी वॉचमैन की नौकरी की तो कभी फिल्मों में आने के बाद वेटर, चोर और मुखबिर जैसी छोटी छोटी भूमिकाएं करने में भी कोई शर्म महसूस नहीं की। फिल्मों में काम करने के पैसे नहीं मिले तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में खाना खाकर अपनी फीस वसूल कर ली। 1974 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टिंग के पैसे नहीं मिले तो प्रोडक्शन हाउस में खाना खाकर फीस वसूल कर ली। करियर की शुरुआत में नवाजुद्दीन सरफरोश, शूल, मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभा चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में भी काम किया है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं नजर आ जाऊंगा। इस फिल्म में काम करने के पैसे नहीं मिले तो प्रोडक्शन हाउस में कई बार जाकर खाना खाकर फीस वसूल कर ली। उन दिनों पैदल ही स्ट्रगल करते थे, किसी भी ऑफिस में खाना खाने घुस जाते थे, कई बार कॉलर पकड़ कर निकाले भी गए। उस समय यही सोचते थे कि फ्री में इतना खाना मिल जाए ताकि दिन भर पैदल चल सके। वॉचमैन की नौकरी से भी निकाले गए। स्ट्रगल के दिनों में नवाज ने मुंबई में वॉचमैन की नौकरी की लेकिन वहां से निकाल दिए गए। दरअसल नवाज को कड़ी मशक्कत के बाद वॉचमैन की नौकरी मिली थी। उन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर सिक्योरिटी अमाउंट भरी थी। नवाज को नौकरी तो मिल गई लेकिन शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे वो, इसलिए ड्यूटी पर वो अक्सर बैठे ही रहते थे। यही कारण था कि मालिक के देखने के बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं उनकी सिक्योरिटी अमाउंट भी रिफंड नहीं की गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।